Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें Unacademy पे follow कर सकते हैं. Hello, good. Changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi Study में. तो कैसे हो सबके सब आप, पहले तो ये बता दीजिए. आज जानता हूँ आज वापस नाराज होंगे कि 10 मिनट ऊपर क्लास हुई, तो अब आपकी नाराजगी आज यहीं से दूर कर देते हैं. देखिए आपको पता है रोजाना 5-5 10 मिनट का हो जाता है, तो कल से मैं ऐसा आज भी टाइम में 10 मिनट पूरा 1 घंटे पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए. तो कल से अपन टाइम रख देते हैं 9:10 से 10:10, ठीक है फ्रेंड्स. आपका कोई टाइम का लॉस नहीं होगा, पूरा अपन कंटेंट करेंगे, परेशान मत होइए. और कुछ बच्चे सिलेबस की टेंशन हो रही है, तो इसके लिए हम आपके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज लेके आए हैं. मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, बहुत बढ़िया सरप्राइज है, आपको मजा आ जाएगा, आपका दिल रोम रोम हो जाएगा, ठीक है. लास्ट में डिस्कस करूंगा सरप्राइज, अभी अपन पढ़ते हैं आगे का, क्लियर दोस्तों. तो कल से 9:10 का ही इवेंट बनवा दिया करेंगे, 9:10 पे आ जाया करेंगे, 9:10 से 10:10, क्लियर, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. जी हाँ, आप सभी को भी गुड मॉर्निंग, ठीक है फ्रेंड्स. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर चल रहा है. कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सब पहले पढ़ चुके थे. कल वेलोसिटी पढ़ी और ग्राफ देखा कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, यानी विस्थापन और समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो क्या देता है आपको, आपको वेलोसिटी देता है, वेग देता है. सिमिलरली जो क्या होता है, दूरी होता है, दूरी यानी डिस्टेंस और टाइम, टाइम दूरी और समय का जो ग्राफ होता है वो आपको चाल देता है. इतनी बात हम लोग कर चुके थे, ठीक है. बहुत अच्छा सरप्राइज होगा लास्ट में, है ना. लेकिन अब आपको भी साथ में सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट आप करोगे तभी मजा आएगा, और इतना अच्छा सरप्राइज है आप देखना मजा आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स. चलिए स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी का पूरा काम हो चुका था, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन हिंदी में लिखते हैं त्वरण. क्या होता है एक्सीलरेशन, कोई बताना चाहेगा, जस्ट सिंपल बचपन से पढ़ता आ रहे हैं. क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं. वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण. यदि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, यदि जो वेग है वो चेंज ही नहीं हो रहा, बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, वो चेंज ही नहीं हो रहा, उसमें कोई बदलाव ही नहीं आ रहा, तो त्वरण होगा नहीं. यानी जब जब वेलोसिटी चेंज होगी तब क्या होगा, एक्सीलरेशन. सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आपकी कुछ स्पीड चल रही है, तो जैसे ही आप एक्सीलरेट करोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो जो एक्सीलरेशन की वजह से क्या है, वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी, है ना. तो यदि हम बोल सकते हैं, यदि वेलोसिटी में या फिर हिंदी में बोलूं वेग में यदि कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो कोई त्वरण हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है. इसको लिखते हैं रेट ऑफ, अब परेशान मत हो ना, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, दोनों में लिखूंगा साथ के साथ, सब बताता जा रहा हूं. रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या फिर आप बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, परिवर्तन की दर को. यह हो गया. दूसरा पॉइंट क्या है इसमें दोस्तों, यह एक सदिश राशि है. यह क्या है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है फ्रेंड्स. सिंपल सी चीज़ है, पॉइंट्स में लिखता जा रहा हूँ. आप जो समझने वाली चीज़ आएगी, जो मजे वाली चीज़ होगी, वो यहाँ से होगी दोस्तों. यहाँ से ही आया, आपने बोला एक्सीलरेशन को मैं डिनोट कर रहा हूँ ए से, स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूँ. आपने क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वही बात हो गई. कुल समय अंतराल में कितना वेलोसिटी में चेंज आया, कुछ समय अंतराल में कितना वेग में परिवर्तन आया, उसी को क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोलेंगे, ठीक है. आपने ऊपर क्या बोला, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण. दोस्तों यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ सामने आएगी, मुझे बताइए इसके यूनिट क्या होती है, ठीक है. कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिट एंड मेजरमेंट हम पढ़ चुके हैं. आपने लिख दिया, बड़ी खुशी से लिख दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मुझे मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब बताओ, मुझे
मुझे मजा नहीं आ रहा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, कोई मतलब समझाएगा, इसी से आपको मजा आ जाएगा कि त्वरण होता क्या है, इसी से समझ में आएगा, कहीं ना कहीं इसी से समझ में आएगा। मैं पूछ रहा हूँ ये मात्रक आया कैसे, ये जो मैं बोल सकता हूँ ये यूनिट आई कैसे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये यूनिट आई कैसे, कोई बता सकता है कैसे आई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। जो बोल रहे हैं कौशल कुमार जी, 10 दिन तक यही पढ़ाओगे क्या, तो इसी चीज़ का आज मैं सॉल्यूशन करूंगा लास्ट में, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। कैसे आई, मैं ये नहीं बोल रहा कि मीटर पर सेकंड, ये इसका मतलब क्या है ये तो जवाब देना मैं कि सर ऊपर वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकंड है, नीचे सेकंड है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ कि मीटर पर सेकंड, बिल्कुल एक यूनिक जवाब दो कि ऐसे आई, एक बिल्कुल यूनिक जवाब दीजिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम पर यूनिट सेकंड, इतना नहीं, चलो समझते हैं दोस्तों। लेट सपोज दोस्तों आपको एक्सीलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, 3 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपने क्या बोला, वेग में परिवर्तन की दर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, कुछ इस तरह से समझ सकता हूँ कि हर एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड वेग में परिवर्तन हो रहा है, हर एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड में चेंज हो रहा है। आप बोले सर समझ में नहीं आ रहा, बोला एक मिनट रुकिए आप, हम लोगों ने एक टेबल बनाई, टेबल ऐसे बनाई कि एक तरफ टाइम लिखा, ठीक है, एक तरफ मैंने लिखा वेलोसिटी लिखा, है ना। लेट सपोज 0 सेकंड पे जो इसका वेग है, जो वेलोसिटी है, मान लीजिए 0 है, मैंने बोला 1 पे 3 है, मैंने बोला 2 पे 6 है, मैंने बोला 3 पे 9 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यही नहीं हुआ क्या कि हर एक सेकंड में 0 से 1 सेकंड के बीच में कितना समय अंतराल है, हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, फिर दूसरे एक सेकंड में फिर 1 से 2 सेकंड गया, यानी 1 सेकंड का डिफरेंस आया, तो हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। यदि टाइम 2 सेकंड से 3 सेकंड की बात करें तो कितना अंतर हो गया, 1 सेकंड का अंतर हो गया, यानी हर एक सेकंड में जो वेग है वो 6 से 9 हो गया, यानी 3 मीटर पर सेकंड की बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कहीं यही तो नहीं हुआ, तो इसका जो मतलब है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या है, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी हर एक सेकंड में कितने का परिवर्तन हो रहा है, इसकी दर क्या है, यही तो बताया मैंने, वेग में परिवर्तन की दर, यानी हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी का परिवर्तन हो रहा है, ये चीज मैंने आपको बता दी। तो ये कुछ ऐसा समझने का ये सिस्टम था, ये मैंने बता दिया, जो एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है, ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ गई चीज। अब एग्जाम बहुत जल्दी होगा आपका एएलपी का, इसलिए कुछ डिजाइन करा, लास्ट में आपको बताऊंगा, परेशान मत होइए। सेम चीज फ्रेंड्स, एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, या फिर आप बोल सकते हैं समय में परिवर्तन, समय अंतराल इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, परेशान मत होइए, चेंज इन वेलोसिटी, सिंपल सी चीज़ है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल बोल सकते हैं आप, टाइम इंटरवल, ठीक है फ्रेंड्स। कल जो बात करी थी वही बात मैं इधर करता हूँ, यदि किसी इंस्टेंट की बात करें कि इस इंस्टेंट पे कितना एक्सेलरेशन है, कितना त्वरण है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, dv/dt, ठीक है, dv/dt। दोस्तों जल्दी से बता दो ये dv/dt क्या है, बिल्कुल जवाब आना चाहिए, जल्दी से बताइए dv/dt क्या है, जल्दी से बता दीजिए dv/dt क्या है, देखो आप ही का जवाब आना चाहिए, आप ही जवाब देंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, आप ही dv/dt क्या है, ठीक है, आप ही बताइए। कल हम लोगों ने बार बार पढ़ रहा था कि दोस्तों जब y और x का ग्राफ होता है, कोई भी ग्राफ हो तो dy/dx जो था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, क्या बताता है, ढाल बताता है, कौन सा ढाल बताता है, yx ग्राफ का ढाल बताता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो क्या होता है, वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है वो क्या बताता है दोस्तों, एक्सीलरेशन बताता है, त्वरण बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज डाल के लिख लीजिए, जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी
टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, हिंदी में भी लिख लीजिए, बता देता हूं, त्वरण वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण देता है। क्लियर दोस्तों? एक दो सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बताता हूं मैं। देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, आंसर देना स्टार्ट करिए अपना दिमाग लगा के, कुछ भी नया नहीं है, कल हम लोग पढ़ चुके थे इसलिए मैंने बोला था कल वाला कॉन्सेप्ट ही यूज आएगा इसमें भी। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। अब देखो हिंदी इंग्लिश अब कुछ मत करना, मैं देखो दोनों में टाइप करके लाता हूं पूरा। निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, मैं बोल रहा हूं दिस ग्राफ व्हाट रिप्रेजेंट, ये जो ग्राफ है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर जो ये दे रखा है आपको वेलोसिटी दे रखा है, वेग दे रखा है किसमें मीटर पर सेकंड में, यहां पर टाइम दे रखा है, एक समान त्वरण यानी सेम एक्सेलरेशन, एक समान चाल यानी सेम स्पीड, एक समान गति यानी सेम वेलोसिटी, असमान त्वरण यानी डिफरेंट एक्सेलरेशन। बताइए दोस्तों, सेम एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है, सीधी सी बात है, आपको पता है वेग और समय का जो ढाल होता है ना, वेग और समय ग्राफ का जो ढाल होता है ना वो क्या बताता है, आपको त्वरण बताता है। तो जो ढाल है इसका सेम ही तो है, मतलब फिसलने की जो टेंडेंसी है, जो फिसलने का बिहेवियर है, फिसलने का जो व्यवहार है सेम ही तो है, ऐसे थोड़ी कहीं उबड़ खाबड़ कहीं हो रहा हो, आपका जो ढाल है वो चेंज हो रहा हो, बिल्कुल एक सेम ही तो वो है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण। क्लियर फ्रेंड्स? आगे चले, आगे चलते हैं। हाँ, सेम एक्सेलरेशन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, जल्दी से जवाब देना स्टार्ट करिए, बहुत सिंपल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हिंदी में बोलता हूं, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इंग्लिश में बोलता हूं, अ पार्टिकल इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से जवाब देना स्टार्ट करिए। जी ये क्लास गेट के लिए नहीं है, जो गेट वाली और आईईएस वाली क्लास होती है वो आपकी सैटरडे संडे होती है दोपहर 12 बजे, ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लास चल रही है। यार सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ऐसे गलती मत करना इसमें, इसमें भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जवाब दोगे तो कैसे काम चलेगा। बहुत बढ़िया है ना, सिंपल सा है, बता देता हूं देखो कैसा आया। देखो सामने क्या बोल रहा है, एक सिंपल सी चीज पढ़ रहा है मैंने, एक समान वेग यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान वेग मतलब सेम वेलोसिटी, ठीक है, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। और एक्सेलरेशन होता क्या है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता तो उसका त्वरण शून्य। जस्ट सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये आपके पास पूरी बात हो चुकी है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं एक्सेलरेशन के, उससे पहले एक बार रिटार्डेशन भी समझ लेते हैं, ठीक है। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन हिंदी में बोलते हैं मंदन, जैसे त्वरण होता है ना वैसे मंदन होता है। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाने के काम आता है। यदि आपको किसी चीज को एक्सेलरेट किया, यदि आपने एक्सेलरेट किया, त्वरण किया, तो आपकी जो वेलोसिटी वो बढ़ जाएगी। यदि मंदन करा, मंदन क्या है, मतलब उसमें जैसे एक्सेलरेशन का बिल्कुल अपोजिट है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप बाइक चला रहे हैं, यदि आपने वो जो स्पीडोमीटर होता है ना वो आपने यदि खींचा है तो आप कहीं ना कहीं एक्सेलरेट कर रहे हैं, यदि आप ब्रेक लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसमें क्या कर रहे हो, रिटार्डेशन कर रहे हो, उसका मंदन कर रहे हो, जो उसकी स्पीड है कम कर रहे हो, ठीक है। तो रिटार्डेशन कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा एक्सेलरेशन है, बस एक्सेलरेशन से क्या अपोजिट है, जो उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग है, बस बिहेवियर अलग है, तो कुछ भी नहीं है। एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, ऋणात्मक त्वरण ही मंदन है, ऋणात्मक त्वरण ही मंदन है। क्लियर दोस्तों? दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूं,
या फिर हिंदी में इंग्लिश में लिख देता हूँ, नेगेटिव एक्सीलरेशन एज रिटार्डेशन। और इसकी भी दोस्तों जो यूनिट होगी कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं बेसिक चीज़ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो उसका मात्रक होगा क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस करते हैं बिल्कुल सिंपल से, ठीक है, फिर एडवांस क्वेश्चन पे चलेंगे। बिल्कुल जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए, बिल्कुल सिंपल है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या बोल रहा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इफ इट ट्रेवल्स 168 मीटर इन 21 सेकंड। एक वस्तु का वेग ज्ञात करो यदि 21 सेकंड में 168 मीटर की दूरी करता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको पता है सामने देख लो, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर विस्थापन अपॉन समय। अब आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन लाने का वो क्या था, उद्देश्य क्या था, ये थोड़ी था आपको 168 बटे 21 करवाना है। आप बोलोगे सर यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट तो कहीं दे ही रखा, डिस्प्लेसमेंट तो कहीं दे ही रखा, केवल दूरी दे रखी है। मैंने क्या बोला दोस्तों, दूरी और विस्थापन बिल्कुल समान होंगे जब कब एक एक सरल रेखा में मूव करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम रहेगी जब एक समान रेखा में। अब कहाँ लिखा हुआ है एक समान है, अब आप बोलोगे तो नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा, जस्ट सिंपल सी चीज़ है, वरना कोई ऑप्शन है क्या? आप ऑब्वियसली कुछ देन रखा, इसका मतलब क्या है, यही जो दूरी है यही क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया, जस्ट सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्टेंस कितना हुआ, 168 या 21, ये कितने में चल जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर दोस्तों, सिंपल है, चले आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आराम से देखिए, स्विच करवाते हैं, देखो आराम से देखो आपकी स्क्रीन पर। इफ स्पीड ऑफ व्हीकल चेंजेस फ्रॉम 8 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकंड, देन फाइंड एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल डिस्टेंस। दोस्तों अभी ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ाया, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन करो इससे पहले, ये थोड़ी देर बाद में आएंगे इस वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये वाला है, पहले ये वाला करिए फ्रेंड्स, पहले ये वाला करिए, वो वाला थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले ये वाला करिए। इफ अ कार हैविंग स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर स्टॉप इन 45 सेकंड, देन फाइंड द रिटार्डेशन। ठीक है, यदि एक कार की 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है 45 सेकंड बाद रुक जाती है तो मंदन ज्ञात करिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, जल्दी से जवाब देना स्टार्ट करिए। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ, पहले ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, उसके बाद में उस वाले पे आएंगे। 4 मीटर, किसी का 44 आ रहा है, किसी का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। देखो आपको जो आंसर देना है ना वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में देना है, आपको जो आंसर देना है, जो आपको एक्सेलरेशन निकालना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये भी सिंपल है, बस थोड़ा सा यूनिट इसमें खेल लेते हैं, यूनिट आपको आती है कोई बड़ी बात नहीं है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपको निकालना है आंसर दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर निकालना है। यहां देखो सिंपल क्वेश्चन है, देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन में एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे पकड़ेंगे जैसे यूनिट का हुआ ये हुआ है ना, कोई गलती नहीं हो। इफ अ कार हैविंग स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, जो पहले जो इसकी वेलोसिटी है, जो पहले इसकी स्पीड है, आप क्या बोल सकते हो कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, एक बार ध्यान से समझ लो, वैसे आप सब जानते हो, आपको पता है दोस्तों किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इंटू 5/18 करते हैं। ठीक है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, 18/5 करते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना ये चीज़ तो वही बात हो गई, आपको पता है जो इंग्लिश में एक्सपर्ट भी होते हैं ना, वो भी एक बार जब दरवाजे पे पुश या पुल देखते हैं ना कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यही दोस्तों यही केस इसके साथ है, केस कैसे है, कई बार 5/18 की जगह 18/5 कर देते हैं, थोड़ा ये रहता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ आप देखो, किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, बड़ी से छोटी में लाने के लिए आप बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो बड़ी संख्या नीचे आनी चाहिए। फिर बोल रहा हूँ किलोमीटर बड़ा है मीटर छोटा है, कोई मैं आपको 18/5, 5/18 नीचे कर रहा है, ये सब आता है आपको, जस्ट बोल रहा हूँ किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में क्या,
किलोमीटर बड़ी संख्या है, इसको छोटी संख्या बनाने के लिए नीचे बड़ी संख्या आनी चाहिए, बड़ी संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा और बड़ी संख्या को छोटी संख्या को बड़ी संख्या में लाने के लिए बड़ी संख्या से डिवाइड करने का, तो 18/5 आ जाएगा। क्लियर? तो आपको स्टार्टिंग में वेलोसिटी दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, आपको एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों? डेल्टा वी अपॉन डेल्टी, यानी वेलोसिटी में चेंज या फिर आप बोल सकते हो स्पीड में चेंज कितने समय अंतराल में हुआ ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। स्टॉप चेन 45 सेकंड बाद रुक जाती है, तो रुक जाएगी उसको कब बोलेंगे? रुक गई, जब उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। तो वी टू क्या हो जाएगा? जीरो। माइनस वी वन की बात करता है, वी वन आपको दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 × 5/18, आप बोल सकते हो 250/18, अरे बोल सकते हो नहीं बोल सकते, सिंपल सी चीज़ है। तो आ जाएगा 250/18 और कितने समय में हुआ? 45 सेकंड में, तो 47। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आप इसको −250/18 × 45 से आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन मत करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर कैलकुलेशन करने नहीं बैठे आप, ठीक है, कौन से समझने बैठे हैं। अब आप बोलोगे रिटार्डेशन तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था नेगेटिव एक्सेलरेशन ही जो नेगेटिव है, ऋणात्मक त्वरण ही क्या है? मंदन है। तो इधर नेगेटिव आ रहा है, इसका आपको उनको दिख रहा है कि क्या है? रिटार्डेशन हो रहा है। इधर क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चले आगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, एक कन्फ्यूजन हम लोगों को क्या होता है कि सर इसका आंसर रिटार्डेशन का माइनस में दे या प्लस में दे, कन्फ्यूजन होता है नहीं होता? कन्फ्यूजन होता ही नहीं आता, जल्दी से बताओ। ये जो कन्फ्यूजन है ये होता है नहीं होता कि सर रिटार्डेशन दे दिया तो आंसर माइनस में दे प्लस में दे? दोस्तों इसने पहले ही रिटार्डेशन बोल दिया, अगर ये बोलता कितना एक्सेलरेशन हुआ तो आप बोल देते −250/18 × 45, ठीक है, ये बात बोल देते। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझो, मैंने एक चीज़ आपको बोली कि ये पहले ही रिटार्डेशन बोल रहा है, इसने पहले ही नाम दे दिया कि ये रिटार्डेशन है, ये पहले ही नाम बोल दिया कि रिटार्डेशन है, तो इसमें माइनस साइन नहीं लगेगा। रिटार्डेशन कितने का होगा? 250/18 × 45, बताइए दोस्तों, ठीक है। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, जैसे ये अब चलो ये 5 से कितने बार में गया, ये 50 बार में, ठीक है, ये 5 से 9 बार में गया, तो इधर क्या बचेगा? ये गया 9 बार में, ये गया 25 बार में, तो 25/1 कैसे आ जाएगा इसका आंसर बताओ? आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है दोस्तों, तो रिटार्डेशन पूछा तो आप माइनस मत लगाइए, रिटार्डेशन का पहले से मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। 25/1 कैसे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 250/18 × 45 आ रहा है, 5 से गया 9 बार में, 5 से गया 50 बार में, फिर आपने 2 से काटा 50, 25 बार में, फिर 2 से काटा 18 9 बार में, तो ऊपर बचा 25, नीचे बटा 9 × 9 = 81। क्लियर? आगे चलते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। एक सिंपल सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे देखिए, बहुत सिंपल है। V2 जीरो कैसे होगा दोस्तों? इसने V2 मैंने क्या बोला? फाइनल वेलोसिटी है। V2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। तो V2 जीरो कब होगा? जब उसने बोल दिया रुक गई तो उसके पास वेलोसिटी बचेगी थोड़ी। अगर वेलोसिटी ही होती उसके पास कुछ स्पीड ही होती तो रुकती थोड़ी, चलती रहती ना, इसलिए हम लोगों ने V2 क्या करा है? जीरो करा है। क्लियर दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई 15 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और जो 30 सेकंड के अंदर हो गया, तो उसकी आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल वी अपॉन डेल टी। कितना चेंज आया 15 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी कितना का फर्क आ गया? 45 किलोमीटर प्रति घंटा का चेंज आ गया और कितने टाइम में आ गया? 30 सेकंड में आ गया। बात करते हैं इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें, तो आपको पता है 45 × 5/18 किलोमीटर है, छोटी संख्या में बदलने के लिए बड़ी संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 45 × 5/18 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45 × 5/18 × 30। ठीक है दोस्तों, क्लियर, सॉल्व कर लो इसको। ये पाँच से कटा 9 बार में, ये 5 से कटा 6 बार में, और कुछ कट रहा है, ये 3 से कटा 3 बार में, ये 3 से कटा 2 बार में, ऊपर क्या बचा? ऊपर 15 बचा, 15/36 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और काट लीजिए, 3 से ये कटा 5 बार में और 3 से कटा 12 बार में, 5/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, क्लियर, 5/12 इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है।
आप सीधी से बात दिख रही है, इधर प्लस क्यों, इधर माइनस क्यों नहीं आ रहा, इधर प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको साफ दिख रहा है जो स्पीड है बढ़ रही है। स्पीड कब बढ़ेगी, जब आप एक्सेलरेट करोगे, एक्सेलरेट करोगे यानी प्लस पॉजिटिव वैल्यू आएगी, धनात्मक मान आएगा इसका, क्लियर। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। लो इसका भी दे ही दो फिर, बिल्कुल सिंपल है, देखते आंसर आना चाहिए। वेग की परिवर्तन दर को कहा जाता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करिए। बिल्कुल सिंपल है, टाइम नहीं लगाएंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में ये सीधा सीधा मैंने पॉइंट लिखवाया था अभी। तो वेग की परिवर्तन दर को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलता है, त्वरण बोलता है, सी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, कुछ भी नया नहीं है इसमें, संबंधित जैसा कुछ भी नहीं है, जो चीज मैंने लिखवाया था वही चीज है। 5/12 आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब कैलकुलेशन में इतना दिमाग मत लगाओ, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। हो गया रिटार्डेशन का काम, हो गया एक्सेलरेशन का, आगे चलते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए दोस्तों, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हम मेरे को इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने के मन करता है, लेकिन मैं क्या डरता हूँ आपको करवाने से, मैं डरता हूँ इसका मतलब बताऊँ क्या, आपको लगता है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा है, ये तो थोड़ा सा आप वो करा करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आपने अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो मान लीजिए अगर उधर नीचे लेवल आया भी थोड़ा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप चुटकियों में करोगे। मैं अभी आपको इक्वेशन और मोशन पढ़ाऊंगा, इसके बाद में देखना एक ही क्वेश्चन करने को तीन तरीके हो जाएंगे आपके पास, एक ही क्वेश्चन करने को तीन तरीके अभी दिखाएंगे, अभी आराम से करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप रखा करिए, आप CBT-2 देने जा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल मेंटेन रखता है, यूनिट एंड मेजरमेंट मैं मानता हूं, मैंने थोड़ा सा कम लेवल पढ़ाया ये वो, अब यहां से हम लोग हाई लेवल पढ़ेंगे, बिल्कुल मतलब पूरा बेसिक से लेकर एक एक स्टेप बिल्कुल आगे चलते रहेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक प्लान बताने वाला हूं, जो बच्चे को लग रहा है ना कि भाई टाइम ज्यादा ले रहा है, स्पीड एंड वेलोसिटी, कुछ बच्चे बोलेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी सर 4 लेक्चर में करा दिया, सर 5 लेक्चर में, अरे ये 11वीं, अपन 11वीं पढ़ के आए, ये 11वीं का टॉपिक है, 11वीं का बच्चा इसको 60-60 घंटे में पढ़ता है, 30-30, 40-40 घंटे में ये काइनेमेटिक्स हुआ ये वो, आपको भी पता है मैं कुछ बोल दूं रहा, जो कोचिंग जाते हैं उनसे पूछ लो, जो IIT की, खैर IIT का लेवल अलग है, लेकिन फिर भी वो 11वीं में अपन BTech कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहा है, तो अपन उनसे ज़्यादा ही लेवल है ना, तो इतना घबराए मत करो। क्लियर, चलते हैं आगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन गति के समीकरण, गति के समीकरण, ठीक है दोस्तों। तीन इक्वेशन है, कहीं 4 आएगी, कहीं 3 आएगी, तीनों चारों सब बताऊंगा, कुछ भी मिस नहीं होगा। पहली इक्वेशन क्या है दोस्तों, V = U + AT, ठीक है। पहली इक्वेशन कौन सी हो गई, V = U + AT। दूसरी कौन सी हो गई, S = UT + ½ AT²। तीसरी कौन सी हो गई, V² = U² + 2AS। आप बोलेंगे सर ये पढ़ी हुई है, लेकिन एक बार मतलब भी बताते रहो, बिल्कुल सिंपल है। जो v होता है ना, वो होता है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, यानी अंतिम वेग, ठीक है। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग, है ना। कुछ भी इसमें समझाने का नहीं है, जस्ट हो रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे जब आएगी बात समझने का, पहले आप लिखते रहिए साथ के साथ। जो ए होता है, ए क्या होता है, एक्सीलरेशन, हिंदी में त्वरण। दूसरी बात क्या है, जो टी है, ध्यान रखो दोस्तों, टी क्या है, टाइम इंटरवल है, या फिर आप बोल सकते हैं समय अंतराल। क्लियर फ्रेंड्स, एक टर्म बचा है, कौन सा बचा है, सारे आ गए, एस बचा है, एस क्या है, विस्थापन है, एस क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन है। ड्राइंग कब होगा, मैं बोल रहा हूँ लास्ट में पूरा प्लान बताऊंगा, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा बहुत, जैसे हमने डिजाइन करा है। S = U + A/2 2N - 1,
बिल्कुल होता है। मैंने क्या बोला, तीन या चार समीकरण होती है, अभी तीन समझो, चौथी जो आप बता रहे हो वो यही है, वो समझाऊंगा क्या होता है, पहले इन तीनों पे तो खेल ले अपन। ठीक है फ्रेंड्स, तो v इजिकल टू यू प्लस 80, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन यहीं पर थोड़ा समझना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। एक चीज बताओ दोस्तों, एक्सीलरेशन आप कुछ u यानी इनिशियल कुछ वेलोसिटी से जा रहे हो, प्रारंभिक वेग से कुछ जा रहे हो आप। यदि आपने एक्सीलरेशन बढ़ाया, ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू एक तो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन की वैल्यू एक 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जैसे एक्सीलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, जो अंतिम वेग मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। जो सिंपल से गणित लग रही है इधर, यह सिंपल से लग रही है, यह सिंपल से लग रहा है, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ें सिंपल है, कोई नई चीज़ दिख रही है आपको, इसमें कोई डाउट है नहीं है, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्रेंड्स देखो, इफ स्पीड ऑफ व्हीकल चेंजेस फ्रॉम 8 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड, यानी बोला 4 सेकेंड में इसकी स्पीड चेंज हो गई, कहां से 8 से 12 हो गई, यानी बढ़ गई है, तो चीज समझ में आ गया कि एक्सीलरेशन हो रहा है, तो वो उस एक्सीलरेशन की ही वैल्यू निकालनी है, और जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने उस 4 सेकंड में, उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसका मान निकालना। हिंदी में बोलता हूँ, यदि एक वाहन 8 किलोमीटर प्रति घंटा से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को 4 सेकंड में प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो त्वरण व इस दौरान तय की गई दूरी बताओ, जल्दी से बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। एक्सीलरेशन 4, देखो पहले ही बोल रहा हूँ, जो एक्सीलरेशन निकालना है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है, जो एक्सीलरेशन निकालना है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है, और जो डिस्टेंस निकालनी है वो मीटर में निकालनी है। क्लियर दोस्तों, सिंपल चीज, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है, और जो जो डिस्टेंस निकालनी है वो मीटर में निकालना है। देखते हैं कितनों का आंसर सही आता है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, इसको मैं लिख देता हूँ साइड में, ठीक है, थोड़ा सा साइड में कर दे सॉल्व करने के लिए। एक्सीलरेशन सिंपल सी चीज़ है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में कितना का चेंज आया भैया, 8 से 24 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू कितनी थी, 8 थी सिंपल लैंग्वेज में, और फाइनल कितनी हो गई, 24 हो गई, ठीक है, आप इसको यू वी वन मान सकते हो, इसको वी टू भी मान सकते हो, समझ में आना चाहिए कितने का अंतर हुआ, 8 से 24 हो गया, 16 का अंतर हो गया, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की का परिवर्तन हो गया, कितने समय में हो गया, 4 सेकेंड में हो गया। इसको जब आप मीटर पर सेकंड में करोगे तो आपको पता है 16 इंटू 5 बटे 18 होगा, ठीक है, तो क्या होगा, 16 पंजे 80 या 18 नीचे 18 इंटू 4, क्लियर दोस्तों, तो एक्सीलरेशन आपका क्या आ जाएगा, यदि मैं बात करूँ ये गया 20 बार में, ठीक है, अब यहाँ से आप काटो, दो से काटो, 20 गया 10 बार में, ये गया 9 बार में, तो 10 बटे 9 आ गया आपका, 10 बटे 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत दोस्तों, 10 बटे 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीरज जी बहुत बढ़िया, 10 बटे 9 है ना, सिंपल है, यहां तक रोक के रख लो, कैलकुलेशन नहीं करनी आपको, ठीक है, यहां तक रोक के रख लो 10 बटे 9, क्लियर। अब आपसे क्या पूछा है दोस्तों, ट्रेवल डिस्टेंस, डिस्टेंस भी बताइए, डिस्टेंस भी बताइए, आपके पास सीधा फॉर्मूला है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है, एक तो ये है, दूसरा कौन सा है, कोई सा भी लगा सकते हो, या फिर ये लगा सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, तो आपको पता है दोस्तों u क्या दे रखा है आपको, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो u कितना दे रखा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करके आप किस में ले आओगे, मीटर पर सेकंड में ले आओगे, तो कितना हो जाएगा, 40 बटे 18, या फिर आप बोल सकते हो 2 से घटा 20 बटे 9 मीटर पर सेकंड। अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करो, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल स्पीड कितनी होगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, तो क्या हो जाएगा, 6 से 24 गया 4 बार में, 6 से 18 गया 3 बार में, 5 चौक 20, 20 बटे 3 आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 20 बटे 3 मीटर पर सेकंड, क्लियर, 20 बटे 9 से 20 बटे 3 मीटर पर सेकंड आ गया, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 20 बटे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, है ना, अब इधर सॉल्व करता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as, क्लियर दोस्तों, v आपको कितना दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, फाइनल स्पीड क्या हुई, 8, पहले 8 पर चल रहा था, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, इसकी प्रारंभिक
वेग था इसका, स्पीड बोल लो, वेलोसिटी बोल लो, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, जब स्पीड वेलोसिटी कुछ नहीं रखा, दोनों को आप यहाँ पर सेम मानिए। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए, देखो, क्योंकि आप बोलोगे कि भाई डिस्टेंस निकालना है, अब अपने पास डिस्टेंस का तो फॉर्मूला ही नहीं है, अपने पास तो डिस्प्लेसमेंट का है। तो दोस्तों, मैंने ये चीज़ मैं आपको पहले ही चीज़ क्लियर कर चुका हूँ, अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोल लो चाहे दूरी बोल लो, दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। क्लियर? तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। कितनी है? 8 से 24 हो गई, 24 को मीटर पर सेकंड में लोगे, 24 इंटू 5 बटे 18, 6 से 18 कट गया 6 से 3 बार में, 24 कट गया 4 बार में, तो 5 चौक 20 बटे 3 मीटर पर सेकंड फाइनल आ गया। और इनिशियल की बात करें तो 8 दे रखा था, 8 इंटू 5 बटे 18 करोगे 8 पंजे 40 बटे 18, 2 से काटोगे 20 बटे 9 मीटर पर सेकंड। क्लियर फ्रेंड्स? तो वी की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 20 बटे 3, इसका स्क्वायर करोगे तो 400 बटे 9। U का स्क्वायर करोगे तो 20 बट्टे 9 का क्या हो जाएगा? 400 बट्टे 81 प्लस 2 इंटू एक्सीलेशन कितना दे रखा है? 10 बट्टे 9 इंटू एस। अब इस एस की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 400 बट्टे 9 माइनस 400 बट्टे 81 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10/9 इंटू एस। ये एस ही आपको क्या देगा? डिस्टेंस देगा। तो आपको पता है 400 यहाँ से कॉमन आ गया, फिर 81 आपसे एलसीएम आ गया, 9 नाम 81, 9 ऊपर जाएगा 3600, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या जाएगा 400 2 इंटू 10/9 इंटू एस। क्लियर? 3600 में से 400 गया 3200 बटे 81 इंटू भाग, ये 2 उधर जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, 10 नीचे आएगा, ऐसे इसका एस का वैल्यू आ जाएगी। एस की वैल्यू बताता हूँ, आप बताइए, कोई डाउट हो तो। 160/9 आ रहा है, 40/3 होगा, देखता कितनों के से आता है, मैं आंसर बताता हूँ फाइनल, बोर्ड में जगह नहीं बची सॉल्व कराने की, बिल्कुल कैलकुलेट करना है जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया। आंसर मैं इसका बताता हूँ कितना आएगा आपका, चालीस बट्टे नौ आएगा, ठीक है, 40/9 आएगा इसको। और एक तरीका तो यह है कि ये वाली इक्वेशन लगा दी आपने, है ना, एक इक्वेशन, एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका दोस्तों यह है, इसको मैं मिटा रहा हूँ एक मिनट के लिए, क्यों मिटा रहा हूँ मैं कारण बताता हूँ। दूसरी इक्वेशन से इससे ज़्यादा सिंपली सॉल्व हो जाएगा, कैसे? एक इक्वेशन ये भी तो होती है, एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? इनिशियल स्पीड की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 20/9, तो क्या हो जाएगा 20/9। टाइम इंटरवल कितना दे रखा है? 4 सेकंड, 4 प्लस 1/2, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10/9 और टी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। क्लियर दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? ये 4 दे रखा है ना, 4 है, ध्यान रखो टाइम कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो 20 चौके 80/9 प्लस 1/2, ये 2 से 16 गया 8 बार में, यहाँ से क्या हो जाएगा 80/9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 160/9 आंसर आएगा फ्रेंड्स इसका, है ना, 160/9 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा? 160/9, इसको सॉल्व करोगे तो 17 के आसपास आएगा, 17.76 जो भी है। क्लियर? 160/9 आंसर आएगा दोस्तों इसका। इससे बहुत सिंपल हो रहा है, इससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर फ्रेंड्स? तो कोई सी भी क्वेश्चन लगा सकते हो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अब आपको पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन लगाया उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा पड़ रही थी, तो आप इससे कर लो सिंपल, ऐसी जगह से यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? आगे चले, जल्दी से बताओ, थम्स अप कर दीजिए। 17.77 बिल्कुल सही है, 160/9 बोल लो, है ना, इतना डीप में मत जाओ 17, क्योंकि अपन को, मैं फिर बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन मकसद नहीं है हमारा यहाँ पर, हमारा मकसद है कि चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही। चलते हैं आगे, चले आगे, चले जल्दी से थम्सअप कर दो, मैं आगे चलता हूँ फिर, बिल्कुल सिंपल चीज है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, करो ये ध्यान से समझना। जो मैंने साइन कन्वेंशन यूज करा है, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे
रिटार्डेशन के लिए हमने एक्सलेशन माइनस लिया है, ये लिया है आज कल में, अभी फिर बात करूँगा मैं कल की बात, तो अभी बाद में बात करेंगे। एक अच्छी चीज़ बताऊँगा मैं आपको, जल्दी से बताइए। एक दो क्वेश्चन ऐसे दूंगा दोस्तों जिसने उसका जवाब दे दिया ना कुछ गिफ्ट पक्का मिलेगा। अब वो गिफ्ट ऐसे तो नहीं कि मिल के दे, कुछ ना कुछ देंगे, चाहे यहाँ से सैल्यूट ही दे दें हम। अब आप बोलोगे सैल्यूट पे कोई गिफ्ट है क्या? चलो पहले इसको देखो, फिर बाद में आएंगे अपन, बात करेंगे बाद में। ब्रेक ऑफ अ कार कैन प्रोवाइड मैक्सिमम रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार का ब्रेक लगाने पर जो मैक्सिमम रिटार्डेशन हो सकता है, मैक्सिमम मंदन हो सकता है, अधिकतम मंदन जो हो सकता है वो कितना हो सकता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है दोस्तों। देन फाइंड दी मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच इट कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है ना। बोले मिनिमम कितनी डिस्टेंस तक इसको रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, मिनिमम कितनी हो सकती है ना, ये क्वेश्चन है। देखो जिस चीज़ पर हम लोगों ने भी बात करी थी ना, देखो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा रिटार्डेशन दे रखा है और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, इधर माइनस नहीं लिखा है ना। तो ऑब्वियसली बात है रिटार्डेशन का मतलब बोले तो ए का मतलब क्या है, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो आपके पास वैल्यू दे दी कहीं ना कहीं, ए जीवश दे दिया माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर दोस्तों। ए वेलोसिटी ऑफ कार इज 30 मीटर पर सेकंड, यानी अभी जिस वेलोसिटी चल रहा है, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो प्रारंभिक वेग है, कितना दे रखा है दोस्तों 30 मीटर पर सेकंड। अब स्टॉप हो जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि भाई अगर फाइनल स्पीड जीरो होगी तभी तो रुकेगी भाई, तभी तो रुकेगी। अगर उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होती तो रुकती जोड़ी, स्पीड होती तो थोड़ा और आगे चल जाती है। रुकी कब, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो उसका अंतिम वेग है वो जीरो हो गया, तो यानी वी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, है ना। अब ये पूछ रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम देखो सिंपल सी चीज बताओ, एक v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s, है ना। ये मिनिमम कब होगी, डिस्टेंस मिनिमम कब होगी, इनका मतलब कहीं ना कहीं एक ही है, मैक्सिमम रिटार्डेशन का मतलब ही तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं है भाई। आप मतलब मैक्सिमम इतना रिटार्ड कर सकते हो उसको, मैक्सिमम इतना धीरे कर सकते हो, तो ऑब्वियसली जो स्पीड आएगी मिनिमम आएगी ना, क्योंकि इससे भी थोड़ा कम रिटार्ड करा होता, इससे भी थोड़ा कम रिटार्ड करा होता। मतलब अगर यहाँ पर अभी माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रहा हूँ, यदि थोड़ा और कम होता तो स्पीड ज़्यादा चल जाती ना, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर लेती, तो कहीं ना कहीं मतलब यही है। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है दोस्तों, जीरो, मैंने लिख दिया जीरो, ठीक है। यू की वेलोसिटी, यू का मान कितना रखा है, इनिशियल वेलोसिटी का 30 का स्क्वायर 900 अपॉन 2 इंटू ए। एक्सीलरेशन कितना दे रखा, माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, माइनस 900 बट्टे माइनस 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, ये 45 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, सी इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, सिंपल चीज़ है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ठीक है। चले आगे, बहुत सिंपल चीज़ है, हाँ बहुत बढ़िया, 45 बिल्कुल सही है। अब दोस्तों एक तरफ चलते हैं, ध्यान से समझना, कुछ चीज में बोल रहा हूं, अब आगे चलते हैं। मैंने बोला, आपने बोला कि v इक्वल टू ds, अब वापस पुराने उस पर चलो, क्योंकि यहां से पहले कायदे से आप बोलते सर पहले करानी चाहिए थी, लेकिन पहले नहीं करवा सकते थे, अब आपको आएगा समझ में। v इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, ds अपॉन डी टी, इसका मतलब क्या था, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, वापस मत लिखे आप लिख सकते हो, ग्राफ समय का ढाल आपको क्या देता था, वेग देता था, जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ था उसका जो स्लोप देता था वो आपको क्या देता था, वेलोसिटी देता था, वेग देता था, क्लियर दोस्तों। दूसरी चीज हम लोगों ने समझी कि एक्सीलरेशन होता है डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, यानी वेग समय ग्राफ का ढाल, इंग्लिश में बोल दूंगा परेशान मत होइए, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण देता है, ठीक है, त्वरण होता है। जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, वेलोसिटी ऑफ टाइम का ग्राफ है, जो उसका स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, सिंपल दोस्तों। अब मैं कुछ उल्टा कर रहा हूँ, ध्यान समझना दोस्तों, कुछ उल्टा कर रहा हूँ। v इक्वल्स टू होता है ds अपॉन dt और a इक्वल्स टू होता है dv अपॉन dt, अरे हाँ या ना, ठीक है हाँ। आपने t को इधर भेजा, dt को इधर भेजा, v dt इक्वल्स टू ds, a dt इक्वल्स टू dv, क्लियर। अब मैं देखो पूरी चीज नहीं बता रही, चीजें आई कहां से,
लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं बता भी दूंगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज आएगा उसमें, लेकिन आपको कुछ जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपने मन में चाहा है सर कैसे आया, मैं वो भी बता दूंगा। मैंने आपको एक चीज बोली कि जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, जो उसका एरिया है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है का क्षेत्रफल आपको क्या देगा दोस्तों, विस्थापन देगा। एक चीज रट लो, एक चीज रट लो, क्या होगा, कितना इजी क्वेश्चन बन जाएगा। एक ही क्वेश्चन को दो दो तीन तीन तरीके से करेंगे आप देखना। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो आपको विस्थापन देगा। ध्यान से समझो, वेलोसिटी, ये चीज इसलिए लिखी यहां से आप कलर कर सको कि वेलोसिटी और टाइम, क्योंकि क्या बहुत कंफ्यूजन होता है कि वेलोसिटी टाइम का एक्सेलरेशन देगा क्या देगा। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जब ऐसे बट्टे में है तो बट्टे में तो आप समझ जाओगे स्लोप देगा ढाल देगा तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। याद समझो, इधर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको देगा विस्थापन। यदि मैं बात करूं सिमिलरली, थोड़ा सा इधर लिख दूं दोस्त, कोई दिक्कत थोड़ी है, दिखने मारा है। वी जीगस डी एस अपॉन डी टी, ए जीगस डी वी अपॉन डी टी। जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ का जो एरिया है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो विस्थापन देगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, वेग और समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या देगा, विस्थापन देगा। वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्लियर दोस्तों। दूसरी चीज मैंने इसके नीचे लिखी कि स्पीड टाइम और ग्राफ का क्षेत्रफल, यानी चाल समय ग्राफ का जो एरिया होगा, चाल समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो आपको क्या देगा, दूरी देगा। वो आपको क्या देगा, दूरी देगा। एक बार समझिए, क्वेश्चंस करवाऊंगा क्लियर हो जाएंगे। तीसरी चीज मैंने बोला दोस्तों कि जो एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ है, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम जो ग्राफ है उसका जो एरिया होगा वो आपको क्या देगा, वेग देगा। बस ये तीन चीजें याद रखिए, क्वेश्चन से पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने बोला एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल है, वो आपको क्या देगा, वेग देगा। क्या देगा, इधर लिख देता हूं दोस्त, वेग देगा। एक बार नोट करिए, क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूंगा चीजें समझ में आ जाएगी। आप बोलोगे सर मुझे ग्राफ समझ में नहीं आ रहा कैसे, सिंपल से एक एग्जाम्पल समझाऊं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी और टाइम का, ये कोई ग्राफ दे रखा है ना, कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है। मान लीजिए कि 1 सेकंड पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, 2 पे है 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे है 6 मीटर पर सेकंड, कुछ ऐसा ग्राफ आपको दे रखा है। आपने बोला कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेग और समय ग्राफ आपको ऐसा दे रखा है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ आपको ऐसा दे रखा है। क्वेश्चन में पूछेगा कि दोस्तों तीन सेकंड में कितना विस्थापन हुआ, 3 सेकंड में कुल कितना विस्थापन हुआ। एक तरीका तो क्या है जो हम लोगों ने समझा, दोनों तरीके समझाऊंगा। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, इसका आप एरिया निकाल लो, इसका आप एरिया निकाल लो, ऐसे निकालो, ये जो समय वाला एक्सिस है ना, समय वाला अक्ष है, इस पर आप एरिया निकाल लो। ये एरिया ही आपको क्या देगा दोस्तों, क्षेत्रफल देगा। और ये क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्या बन रहा, त्रिभुज बन रहा, ट्रायंगल बन रहा है, तो हाफ इंटू ये बेस कितना हो जाएगा 3, और हाइट कितनी हो जाएगी दोस्तों 6, तो कितना हो जाएगा 2 से 6 घटा 3 बार में 3 3 9, इसका आंसर आ जाएगा 9 मीटर, है ना। वापस समझाऊंगा, परेशान मत होइए, क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। बताइए हाँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैंने दोस्त मैंने क्या पूछा है, मैंने पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 सेकंड में विस्थापन कितना हुआ, वो पता था। मैंने बोला फ्रेंड 1 सेकंड पे मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, 2 पे मान लीजिए 4 है, 3 पे क्या 6। मैंने बोला 3 सेकंड में कुल कितना विस्थापन हुआ दोस्तों, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना बन रहा है 3 का, हाइट कितनी आ रही है दोस्तों 6 की, तो 2 से 6 कटा 3 में, तो 3 × 3 = 9, 9 मीटर आंसर आया नहीं आया, आया या नहीं आया।
क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं कि एक चीज बता दी, क्वेश्चन करवाऊंगा तीन चार, जब जाके क्लियर होगी दिमाग में वो पूरा क्लियर हो जाएगा, 9 मीटर आंसर आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा। आपको अब भी लग रहा है थोड़ा डाउट है कि वो तो समझ में आ जाएगा, चलो आ जाएगा ही, मुझे बताओ दे कैसे रहा है। तो दो तरीके दोस्तों, तरीके ऐसे हैं कि आपने इसका क्षेत्रफल निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस 1/2 का तो कोई मात्रक नहीं है, ये 1/2 एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, मात्रक विहीन क्वांटिटी है। ये बेस क्या दे रखा है आपको, तीन दे रखा है, बेस में लिख दे तीन क्या है, 3 सेकेंड इसका जो मात्रक है 3 सेकेंड है। हाइट की बात करें, हाइट कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, इसका मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, आपको क्या मिल रहा है, मीटर मिल रहा है। एक तरीके से आप ऐसे समझ लो। दूसरा तरीका इंटीग्रेशन का है, मैं समझा दूँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है फालतू में कन्फ्यूज होगा कि समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ना ही कोई आपको ज़रूरत है। आपको ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। एक क्वेश्चन करवाता हूँ, दो तीन तरीके से करेंगे, सबसे समझ में आ जाएगा आपको, एग्जाम में समझ में आ जाएगा कौन से मेथड से आपको जाना है। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, क्वेश्चन इधर है नहीं, मैं बना देता हूँ आपको, रुकिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है कि इस जगह दे रखा है वेलोसिटी, इस जगह क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, यानी क्या दे रखा है, वेग दे रखा है, और वेग दे रखा है आपको मीटर पर सेकंड में, और ये दे रखा है आपको टाइम दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है दोस्तों आपको सेकंड में दे रखा है, समय दे रखा है सेकंड में। और जो ग्राफ बन रहा है कुछ, ये कुछ ग्राफ बन रहा है ऐसे, मान लीजिए ग्राफ आ रहा है ऐसे, और ग्राफ में ये बोल रहा है, ठीक है, ये 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, कुछ ऐसे बोला है ना, और ऐसे बोल रहा है ये कि दो पे मान लीजिए इधर जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड है। क्लियर दोस्तों, इधर मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, इधर मान लीजिए कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड है। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, दो सेकंड में कुल विस्थापन बताइए, या फिर मैं डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ। देखो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है उस दिशा में जा रहा है, ये जस्ट एक ग्राफ बता रहा है कि समय के साथ साथ जो वेग है, जो वेलोसिटी है, कैसे चेंज हो रही है, कि 1 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड है, 2 पे 4 मीटर पर सेकंड है, 3 पे कितना है, 6 मीटर पर सेकंड है, कुछ ऐसे चेंज हो रही है। ठीक है, कुछ ऐसे समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते दोस्तों, ऐसे समझ सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, क्या उस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, जस्ट क्या बता रहा है, ये कैसे वेरी कर रहा है, कैसे जो वेग है समय के साथ कैसे परिवर्तित कर रहा है। एक चीज़ तो मेरे को समझ में आ गई कि दोस्तों टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो चेंज होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन तो आएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, एक बात की है। और मैं बोलता हूँ 2 सेकंड में कुल कितना विस्थापन होगा, तो दोस्तों आपको क्या बताया था कि जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ पर जो एरिया है वो क्या देता है, विस्थापन देता है। विस्थापन दोस्तों पूरा मत निकाल देना, 2 सेकंड के लिए पूछा तो 2 सेकंड वाला ही विस्थापन आप, सॉरी जो एरिया है वो आप निकाल देना। क्या मिल रहा है, फिर से एक ट्रायंगल मिल रहा है, फिर से एक ट्रायंगल मिल रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 4 हो जाएगी, तो 2 से 2 कटा 4 मीटर आंसर आया, हाँ या ना, हाँ या ना। एक तरीका तो ये हो गया, जल्दी से बताओ, 4 मीटर। क्लियर दोस्तों, इनफाइनाइट कैसे आएगा आंसर दोस्तों, 4 मीटर जस्ट सिंपल है नहीं है। अरे कहाँ से 9 निकाल रहे हो, मैंने क्या बोला था दोस्तों, क्वेश्चन तो पढ़ो, 2 सेकंड में पूछ रहा है, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में नहीं पूछा, अगर 3 सेकंड में पूछते तो ये पूरा एरिया लेते, ध्यान रखना है, यही तो गलती है, केवल 2 सेकंड में पूछा तो 2 सेकंड तक का ही एरिया लेंगे। आप बोलो गुरु जी ये बात तो समझ में आ गई, तो क्या हमने इक्वेशन पढ़ी थी वो बात, वो बिल्कुल बेकार है। मैंने बोला बिल्कुल भी बेकार नहीं है, लगाते हैं वो भी, लगाते हैं, बोलो कैसे लगाते हैं, आप जानते हो v² = क्या होता है, u² + 2as होता है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे तो निकालना है, तो इस इक्वेशन से निकाल लो। आपको v दे रखा है, 0 से 2 सेकंड की बात कर लो, सब भूल जाओ, 0 से 2 सेकंड की बात हो रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, ये प्रारंभिक वेग दे रखा है, 2 सेकंड के बाद में जो वेलोसिटी मिलेगी वो कौन सा होगा, अंतिम वेग होगा, या फिर बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी होगी। भाई 0 से 2 सेकंड में आप बोलो कैसे होगी फाइनल, क्योंकि भाई बात ही 0 से 2 सेकंड के बीच में रही, जो 0 पे है वो इनिशियल चीज़ है अपनी, वो प्रारंभिक चीज़ है, 2 सेकंड पे जाएंगे तो वो चीज़ अंतिम चीज़ है, वो फाइनल चीज़ है, तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी दे रखी है दोस्तों, 0, ठीक है,
तो जो आपको वी और वी क्या है होती है फाइनल वेलोसिटी होता है, तो जीरो से टू सेकंड पे ये जो भी मिलेगी यहाँ पर क्या मिलेगी फाइनल वेलोसिटी कितनी मिल रही है यहाँ पर चार मिल रही है नहीं मिल रही तो चार का स्क्वायर 16 यू आपको जीरो दे रखा था प्लस 2 ए एस अब आएगा मजा ये आ गया 16/2 इंटू ए। अब आप बोलोगे सर ये तो निकाल ही नहीं सकते इसमें एक्सीलरेशन है एक्सीलरेशन कैसे निकाले। देखो थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये और दोनों तरीके से मैं करवा दिया जस्ट एग्जाम में तो सिंपल से करना इसका एरिया निकाल देना बस सिंपल लेकिन मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूँ अगर किन्हीं भी बच्चों को डाउट है देख लेना आंसर डिफरेंट आ रहा है सेम आ रहा है। एक्सीलरेशन निकालना है एक्सीलरेशन क्या होता है दोस्तों डेल वी अपॉन डेल टी चेंज इन वेलोसिटी कितने समय अंतराल में कितना वेग में चेंज हुआ तो जीरो से दो सेकंड की बात कर रहे हैं समय अंतराल कर रहे हैं दो का ठीक है और वेलोसिटी में कितना चेंज आया वेलोसिटी यहां पर जीरो थी जीरो से चार का फर्क आ गया तो 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ गया। जब इसमें 2 डालोगे 16/2 इंटू 2 तो 16/4 ये आ गया आंसर आपके पास 4 मीटर इसका आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत कौन से किताब से खरीदना है वो बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स ये बताइए इधर ध्यान दीजिए ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई चार आंसर आया या नहीं आया दोनों तरीके से मैंने बता दिया। एक्सीलरेशन क्या होता है ये चीज़ मैंने बताई नहीं बताई डेल वी अपॉन डेल टी वेग में अंतर समय में अंतर जीरो से दो सेकंड में कितना समय का अंतर हुआ 2 सेकंड का वेलोसिटी में वेग में कितना फर्क हुआ 0 से 4 का इतना फर्क हुआ ना बेटा 0 से 2 की बात कर रहे हैं है ना फ्रेंड्स इतना तो फर्क हुआ 0 से 2 और 0 से 4 तो 4 वेलोसिटी में कितना फर्क आया 4 मीटर पर सेकंड का तो 4/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए फ्रेंड्स दोस्तों बताइए कोई दिक्कत क्लियर है थम्स अप कर दीजिए एक बार क्लियर है तो जिससे मुझे भी क्लियर हो है ना। तो इसमें थोड़ा सा कॉपरेट करा करिए क्योंकि थोड़ी सी भी चीज हाई लेवल आती है हाई लेवल कुछ भी नहीं है बिल्कुल एरिया तो निकालना है दोस्तों। तो आप एक चीज ध्यान रखिए मैं चाहता तो ये चीजें स्किप भी कर सकता था कि ये एरिया वाला बताना छोड़ दूं लेकिन जब पूरा पढ़ रहे स्पीड एंड वेलोसिटी कुछ भी आ सकता है आपको जब पेपर दोगे जब चीज़ें पता पड़ेगी और नहीं भी आए तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो ना आप चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। अब 10:06 हो गए चलो 4 मिनट बचे हैं अब काम की बातें कर लेते हैं आज का इतना ये हो चुका है देखो क्लियर क्लियर फ्रेंड्स कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को वापस देखना वरना कल इस पे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा है ना। जब तक 4-5 क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं ये चीज। हाँ अब देखो दोस्तों बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी है ना। अब आप ये चाहते हो यार कि स्पीड एंड वेलोसिटी 2-2 लेक्चर में हो जाए बस इतना ही तो मैं फिर आप बोल दूँ उतना ही पढ़ाऊंगा बस 2 लेक्चर में करा दूंगा 2 लेक्चर में ये करा दूंगा 2 लेक्चर में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी करा दूंगा 2 में हीट एंड टेम्परेचर लास्ट में 4-5 क्लासों में इंजीनियरिंग तो आपका 20-1 दिन में सिलेबस हो जाएगा ठीक है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं आप जानते हो। तो यदि क्या उन बच्चों को धैर्य नहीं होता पेशेंस नहीं होता तो आपके लिए अरेंजमेंट करवा दिया है इंजन ड्राइंग की जल्दी है तो बताओ कब से स्टार्ट करना है कल से स्टार्ट करना है परसों से स्टार्ट करना है ठीक है। रामवीर सर का टेड वाला एक सब्जेक्ट होने वाला है तो कल या परसों से वो वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे तो आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कवर हो जाएगा यहाँ से बेसिक इंजीनियरिंग इससे क्या होगा दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकेंगे हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे सारी वेरायटी के क्वेश्चन कर लेंगे हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे और उधर से आपको रामवीर सर पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कर तो आपको एक मन में अगर आपको डाउट रहता है कि यार सिलेबस कैसे होगा नहीं होगा तो आपका ये मन भी में जो आपका भ्रम है वो भी यहीं दूर हो जाएगा लो आपके 1 या 2 दिन बाद में आपके वहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी सुबह और यहाँ से आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है। अब डिटेल में अभी तो देखो इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी है इसमें और क्या आ जाएगा ऐसे जैसे बताया u+a/2 2n-1 तो चीज़ें दोस्तों अपन छोड़ नहीं सकते ये मोमेंटम क्या होता है फोर्स क्या होता है ये चीज़ अभी हमने पढ़ी नहीं अब मैं 2-3 क्लास में कैसे कंप्लीट करा दूँ ये आप बताइए मैंने कोई टाइम पास किया करता हूँ क्लास में जो भी चीज़ें बिल चलते रहते हैं ना तो आप जब बोलो टाइम चल लग रहा है कि मैं कुछ बैठा हूँ आपसे बातें कर रहा हूँ ये वो सारी चीज़ें हम लोग कंटिन्यूस में चल रहे हैं तो देखो छोड़ने का स्पीड एंड वेलोसिटी 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में खत्म करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको पता है उनका लॉस होगा ठीक है क्योंकि एग्जाम में CBT 1 में इतनी मेहनत करिए फिर CBT 2 में आधी मेहनत करके जाएंगे तो कुछ होगा नहीं है ना। तो वो चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आप बोलोगे कल या परसों में स्टार्ट करवा दूंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना वहाँ से स्टार्ट कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर से मैंने बात कर ली कि बच्चे बोल रहे हैं जल्दी इंजीनियरिंग ड्राइंग क्योंकि मैं
अगर मैं कल से स्टार्ट करूंगा इंजन ड्राइंग, फिर मेरे को चाहिए 15 से 20 दिन इंजन ड्राइंग में, फिर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी करवाऊँ, इतना इतना टाइम लगेगा क्योंकि आप में पेशेंस है नहीं। चलो कोई बात नहीं, एक स्टूडेंट के उसमें आता है मन में कि कब होगा, तो कल या परसों में स्टार्ट करवा देंगे ना, कल तो नहीं होगा, एक या दो दिन में 100% आपको इंजन ड्राइंग वहाँ से स्टार्ट करवा देंगे, यहाँ से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अब बताइए आपको क्या चाहिए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कोई बात नहीं, रामवीर सर भी शानदार पढ़ाएंगे आपको, इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे सर भी। और यहाँ से हम लोग बेसिक, ये जो आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है ना, फिर मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेंगे, विद्युत बल क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा कर लेंगे कि आपका क्वेश्चन नहीं अटकेगा, सभी तरह के मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। लेकिन यार टाइम तो चाहिए ना, आप दो दो क्लास में कैसे कंप्लीट होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट में इतना चीज़ें बताना बाकी थी, लेकिन आप ऐसा करते गए। चीज़ें समझ गए दोस्तों? तो कल से अपनी टाइमिंग 9:10 पे रहेगी, 9:10 से 10:10 कर लेंगे, है ना, पूरे एक घंटे की क्लास लेंगे। तो आज हो चुका, तो सिलेबस की भी मैंने आपको बता दी, टेंशन मत लीजिए, दो कल या परसों में दो दिन के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका स्टार्ट करवा देंगे, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टार्ट कर देंगे, बहुत अच्छे तरीके से होगी, CBT-2 की तैयारी आपकी ऐसी होगी कि मज़ा आ जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका हो जाएगा, टेट सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं और यहाँ पर बेसिक्स हैं, तो चीज़ें क्या डिटेल में पढ़ने का हम लोगों को क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बताइए कोई डाउट, अब कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए। रामवीर सर का टाइम मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कल या परसों में बता दूंगा फाइनल करके। वैसे तो देखो उनके ट्रेड वाले चलते हैं 6 से 7 और 7 से 8, लेकिन अभी 6 से 7 या 7 से 8 में ट्रेड वाले चल रहे हैं, तो ये मैं बताऊंगा कौन से इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे, तो कल या परसों का वेट करिए, है ना, कहा मैं बोल दूँ कल से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी रामवीर सर का भी ट्रेड सब्जेक्ट चल रहा है, बीच में छोड़ नहीं सकते दोस्तों, ये आप समझ सकते हो, एक टेक्निकल चीज है, तो वो वाले बच्चे परेशान होंगे, तो चीज़ें सीक्वेंस में होगी, थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, है ना, दोनों तरफ से वहाँ से आ जाएगा, बिल्कुल लेवल पे चलेगा चीज़ें, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पूरी डिटेल में करवाएंगे यहाँ पे भी, तो मेरे को भी नहीं रहेगा कि मैं चीज़ें छोड़ रहा हूँ ये वो, है ना, तो मेरे को मन में नहीं रहेगा, पूरे आपको भी रहेगा कि हर तरह के क्वेश्चंस करवाया, ग्राफ के हो चाहे कैसे भी हो। क्लियर दोस्तों? चले सर पढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे रामवीर सर इंजीनियरिंग ड्राइंग, और यहाँ से अपन लोग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, है ना, आप कमेंट करके ये मत बोलना पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग कराओ ये, है ना, हम अपने हिसाब से पूरा कर रहे हैं, बस आप क्लास अच्छा लगा तो वो कमेंट कर दिया करो, या कोई डाउट आए तो वो कर दिया करो, बस ये मत करा करो इंग्लिश हिंदी, क्योंकि पूरा मैं वो करवा रहा हूँ, ना ही आप ये कमेंट करिए नहीं ईडी कल से स्टार्ट करो, परसों से कराओ, आप करवाना बाद में, जैसा भी हम करवाएंगे सब पूरा बेस्ट देंगे, सभी फैकल्टी अपना बेस्ट देती है ना, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई कम देता कोई ज़्यादा, सभी फैकल्टी अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, कल मिलते हैं 9:10 पे इसी के कंटिन्यूएशन में, ठीक है, अभी और डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन, है ना फ्रेंड्स, ठीक है, बाय।